हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ पेज मेकर। पेज मेकर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने पेज मेकर का इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको पेज मेकर के टूल्स के बारे में समझाऊंगी। तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर पेज मेकर ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडोब पेज मेकर लिखा है, इसे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज मेकर खुल रहा है और यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसे हम अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेम्पलेट कुछ शो कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट पहले से ही शो कर रहे हैं। अगर आप पेज मेकर सीख चुके होते हैं तो यहाँ से कुछ बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, यहाँ से आप डिज़ाइन ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसे बंद कर रही हूँ। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, इस टूल्स की नॉलेज बताने वाली देने वाली हूँ और नीचे जो कंट्रोल प्लेट है इसके बारे में समझाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम पेज को ओपन करते हैं। यहाँ फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आया है। यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट सेटअप। जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, उसका सेटअप क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले पेज साइज आता है। पेज साइज यहाँ पर लेटर रखना है आपको, लीगल रखना है, टेबलॉइड रखना है, A4, A3, जैसा साइज चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसे लेटर साइज ही ले रही हूँ और लेटर साइज का जो साइज होता है ये यहाँ पे 8.5x11 है, इंचज में दे रखा है। और डायमेंशन में आप सॉरी ओरिएंटेशन में आप टॉल में रखना चाहते हैं या वाइड में रखना चाहते हैं, यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन है। मार्जिन का मतलब होता है कि जो हमारा प्रिंटिंग एरिया से बाहर का एरिया होता है वो सेट करने के लिए होता है। तो अभी तो ऐसे ही हम रखते हैं और 300 dpi में हम यहाँ रख लेते हैं और इसे ओके कर लेते हैं। तो ओके जैसे किया तो देख रहे होंगे आप हमारा एक पेज आ गया है। इसमें जो ब्लू कलर की और पिंक कलर की जो अंदर का एरिया है इसे बोलते हैं प्रिंटिंग एरिया और बाहर का जो एरिया है इसे बोलते हैं ब्लेड एरिया। तो यहाँ पर हम जो भी वर्क करेंगे इसके अंदर करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम साइड में जो टूल बॉक्स है इसके बारे में आपको मुझे समझाना है और जो हमारा यहाँ पे कंट्रोल प्लेट है इसके बारे में समझाना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसे सिलेक्ट टूल बोलते हैं, पिक टूल भी बोलते हैं। तो इसे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे कंट्रोल प्लेट हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारी कंट्रोल प्लेट जो है चेंज हो गई है। तो टेक्स्ट जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट का यूज करते हैं हम टाइप के लिए, तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना ले रही हूँ और इसमें मैंने टाइप कर लिया। तो इसमें मैं टाइप कर लेती हूँ, कुछ भी यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ। तो माई नेम एज CHANDRA चंद्रा, तो ये मैंने टाइप कर चुकी हूँ। आप यहाँ पर इस पेज को थोड़ा सा मुझे लार्ज करना है तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक्स्ट्रा साइज में क्लिक कर देंगे। एक्स्ट्रा साइज में क्लिक करने से यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया और यहाँ पे एक साइज और आता है फिट इन विंडो। फिट इन विंडो में इस तरह से दिखाई देगा। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से साइज तरह तरह के साइज दिए हैं यहाँ पर ले सकते हैं। एक्स्ट्रा साइज, फिट इन विंडो, एंटायर पेस्टबोर्ड, इस पर क्लिक करने से आपका जो पेज है इतना मतलब टोटल आपका यहाँ पर पेस्टबोर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक करते हैं और इसे हम एक्सरसाइज में ले लेते हैं। और परसेंट वाइज अगर इसको कम ज़्यादा करना है तो अदर व्यू में आएंगे, यहाँ पर कितने परसेंट करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसे हम कैंसिल कर रहे हैं और इसे हम करते हैं एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर जो लाइन हमने टाइप की है हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो टेक्स्ट है इसकी जो फॉर्मेटिंग करनी है, इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम इस कंट्रोल प्लेट से करेंगे। तो इस कंट्रोल प्लेट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर ड्रैग करके ले आई हूँ। तो इस समय जो फ्रेंड्स हमारा फॉन्ट है वो कौन सा है यहाँ से हमें पता चलेगा। तो टाइम्स न्यू रोमन जो लिखा हुआ है ये फॉन्ट है। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, हिंदी में टाइप कर रहे हैं या किसी और लैंग्वेज टाइप करें तो यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तरह तरह के फॉन्ट हैं। तो फिलहाल तो मुझे एरियल चाहिए, तो ARI हम जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर एरियल देखिए आ चुका है। तो यहाँ पर एरियल क्लिक किया तो एरियल फॉन्ट आ चुका है। उसके ही बगल में यहाँ पे देखिए नीचे सॉरी इसी के नीचे यहाँ पे देखिए एन लिखा है। एन का मतलब नॉर्मल हो गया, बी का मतलब बोल्ड हो गया और आई का मतलब इटैलिक और अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन। अगर आपको ये सब चीज़ अप्लाई करनी है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर लिखा हुआ है जिसे रिवर्स में करने के लिए होता है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो ये रिवर्स में हो जाता है और रिवर्स में तब करते हैं जब हम किसी शेप के ऊपर इसे टाइप करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई है, देखिए मैं यहाँ पे शेप बना रही हूँ और इसमें मैंने कलर भी दे दिया। यहाँ पे एक ब्लैक कलर दे देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर दे दिया है। अब इस ब्लैक कलर के ऊपर मुझे अगर इसको लाना है, यहाँ पे इसे लाना है, तो इसको मुझे एक रिवर्स में लेना पड़ेगा। और जैसे क्लिक करते हैं और इसके अंदर जो मैंने टाइप किया है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। जैसे ही मैं इसे रिवर्स में करूँगी तो ये देखिए ऊपर आ चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि रिवर्स में करने के लिए हमें ये नीचे आर वाला ऑप्शन यूज करना पड़ता है जिसे रिवर्स बोलते हैं। तो फिलहाल तो इसको हम यहाँ पर ऊपर ऐसे करके रख देते हैं और जो हमने अब इसको हम फिर से रिवर्स में ले लेते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं
और सिलेक्ट करने के बाद इसे मैंने यहाँ से फिर से रिवर्स में इस तरह से ले लिया है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे इसे दिख रहा है। तो फिलहाल तो इसे अभी हम डिलीट कर देते हैं और हमारी जो टेक्स्ट था यहाँ पे, इस टेक्स्ट को दोबारा हम सिलेक्ट करते हैं और इसे रिवर्स से हटा देते हैं। तो किसी भी शेप के ऊपर अगर आप टेक्स्ट को ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिवर्स करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन एक और आता है, ये स्ट्रिक थ्रो का कहलाता है। इससे क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट है उसके बीच में एक लाइन आ जाती है, इसे बोलते हैं स्ट्रिक थ्रो। तो इसे हम यहाँ से अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये काम का नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर सी आता है, सी यानी कि कैप्स लॉक में होगा लेकिन साइज़ इसका स्मॉल होगा, तो इसे कहते हैं स्मॉल कैप। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए हमारा जो फॉन्ट है, अभी मैं फॉन्ट के साइज़ को पहले यहाँ से बड़ा कर देती हूँ। यहाँ से फॉन्ट का साइज़ हमें चाहिए 30, तो आप यहाँ देखेंगे स्मॉल कैप में किया है तो कैपिटल लेटर है लेकिन स्मॉल साइज में है। और यहाँ पे बड़ा सी बना है, इसका मतलब होता है ऑल कैप, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे टेक्स्ट है, जितना भी टेक्स्ट है ये सारा ऑल जो है कैपिटल लेटर में हो चुका है। तो फिर से इसे देखिए, मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से स्मॉल कैप ऑल कैप, तो आप देख रहे होंगे। और उसके बाद इसे हमने नॉर्मल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एस बना है, नीचे ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, एस बना हुआ है और ऊपर को बना है। तो यानी कि यहाँ पे ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप किया 10th और यहाँ पे एक मैं साइंस का फॉर्मूला भी H2O ले लेती हूँ, H2O ले लिया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे जो TH है वो थोड़ा सा ऊपर साइज को होना चाहिए, ऊपर की साइड को होना चाहिए, तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो ये सुपर स्क्रिप्ट में जैसे मैंने किया तो TH देखिए ऊपर की साइड को चले गया, इस पर फिर से क्लिक करूँगी तो नॉर्मल हो गया है, ये देखिए। अब यहाँ पर 2 जो है डाउन साइड को आना चाहिए, तो इसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, देखिए नीचे की साइड को आ चुका है। तो यानी कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज हम यहाँ से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है जो T लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 यानी कि फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए होता है। तो यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को इस तरह से कम भी कर सकते हैं और इस तरह से ज्यादा भी कर सकते हैं, और यहां से भी आप फॉन्ट साइज को ले सकते हैं। ये देखिए हमने 10 कर दिया है, 10 के बाद यहां से मैंने 48 कर दिया, 36, कितना मर्जी आप इतना टाइप करके भी कर सकते हैं और इसे आप वहां से भी ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे यहां पे लीडिंग वाला ऑप्शन होता है, इस ये होता है फॉन्ट दो लाइनों, जब हम टाइप करते हैं तो दो लाइनों के बीच में जो स्पेस आता है उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। तो यहां पर जो है इसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा बढ़ा देती हूं, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद इसे मैं बढ़ा देती हूँ। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 3 लाइन मेरी हो चुकी हैं, इन 3 लाइनों के बीच में जो स्पेस है 48 का है। तो यहाँ पर 48 की जगह अगर मैं इसे 40 कर देती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं एंटर किया तो देखिए दो लाइनों के बीच का स्पेस बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ से वैसे तो ये ऑटो होना चाहिए, यहाँ पर ऑटो होना चाहिए, अगर आपको स्पेस लाइनों के बीच में ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 48 से ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए 60 करती तो लाइन के बीच में स्पेस ज़्यादा हो चुका है, तो फिलहाल तो इसे हम ऑटो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जहाँ नो ट्रैक लिखा हुआ है ये हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। ये जो होता है दो लेटरों के बीच में जो गैपिंग होती है उसको, यानी कि टेक्स्ट को टाइट करने के लिए और लूज करने के लिए होता है। इसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वेरी लूज आप देखेंगे जो हमारे टेक्स्ट है, जो हमारे लेटर हैं उनके बीच में स्पेस आ चुका है, लूज में थोड़ा कम हो गया है और नॉर्मल में नॉर्मल रहता है, और टाइट करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस बीच में कम हो जाता है, वेरी टाइट में और आपस में थोड़ा चिपक गए। तो यहाँ पे जो हमारे वर्ड्स हैं हमेशा नॉर्मल रहने चाहिए। उसके बाद नीचे 100% लिखा है, यहाँ पर बड़ा सा टी भी लिखा है, ये टेक्स्ट को स्ट्रेच करने के लिए होता है। अब ये मेरी 3 लाइन में अगर ये मेरी ये हेडिंग है तो इसे अगर मैं 100% से 110 कर देती हूँ तो देखिए 3 से थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो गया, यानी कि खिंच गए हैं, जो इसमें जो लेटर होते हैं ये आपस में खिंच जाते हैं, तो देखिए कितना बड़ा हो गया है। वही अगर मैं इसको 80% कर देती हूँ तो ये देखिए इतना श्रिंक हो चुका है। तो अगर आपको कहीं पे आप हेडिंग सेटिंग कर रहे हैं या फिर कोई कुछ भी डिज़ाइन का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको अपने जो वर्ड्स हैं उनको स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये होता है दो लेटर के बीच में, यानी कि दो अल्फ़ाबेट हैं उनके बीच में स्पेस देने के लिए होता है। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर लिखा है माई नेम इज चंद्रा, मतलब नॉर्मल ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखे एक एक करके बढ़ाती हूँ तो आप देख रहे होंगे दो लेटर के बीच में स्पेस देखिए बढ़ता जा रहा है, और यहाँ से अगर मैं माइनस में करती हूँ तो देखिएगा ये माइनस में होता जाएगा। तो यानी कि इस दो लेटर जो होते हैं उनके बीच में स्पेस को कम ज़्यादा करने के लिए आप इस वर्ड्स का इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे 0 in लिखा हुआ है, इसका यूज होता है जब किसी भी लेटर को या किसी भी लाइन को थोड़ा सा ऊपर और नीचे लाइन में ही रखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे सेट करना है। जैसे चंद्रा यहाँ पे लिखा है, चंद्रा को थोड़ा सा मैं ऊपर को ले आना, तो देखिए यहाँ से मैं नीचे की साइड अभी फ्लाई ला रही हूँ माइनस में, तो देखिए धीरे धीरे ये नीचे को लेटर आते जा रहे हैं। और अगर मैं इसको ऊपर करती हूँ यानी कि प्लस में करती हूँ, तो यहाँ पर इसको पहले माइनस कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए प्लस में कर रही हूँ तो देखिए धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब है लाइन को
आपको किसी भी टेक्स्ट को अपनी ही लाइन से थोड़ा सा ऊपर और नीचे को सेट करना होता है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो कंट्रोल पेट में ये चीज़ तो टेक्स्ट की हो गई फ्रेंड। अब हम यहाँ पे जो टी है यानी कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए होता है, इसी के नीचे इसको पहले हम जीरो कर देते हैं और यस कर देते हैं। इस कंट्रोल पेट का आप यूज करेंगे और अब इस कंट्रोल पेट के नीचे को आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन और बना हुआ है, ये छोटा सा यहाँ पे एच टाइप का बना हुआ है, ये आइकन बना हुआ है। तो इस आइकन का यूज करते हैं हम अलाइनमेंट सेट करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए किसी भी टेक्स्ट को सेंटर लेफ्ट राइट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए इस समय राइट में है, सेंटर में राइट में करेंगे राइट हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट हो जाएगा, सेंटर में सेंटर करेंगे। ये जस्टिफाई के लिए होता है, ये फुल जस्टिफाई के लिए होता है। यानी कि अब एक पैराग्राफ यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी करके इसको मैं पैराग्राफ बना लेती हूँ। देखिए मैंने एक पैराग्राफ बना लिया है और कंट्रोल प्लेट को थोड़ा सा नीचे लेके फॉन्ट साइज मुझे कम करना है, तो टी टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 12 कर लिया है, 12 कर लिया है, यानी 12 भी बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है तो मैं 18 कर लेती हूँ। अब आप देखेंगे ये तीन जो लाइनें हैं इसमें हम अलाइनमेंट का यूज करेंगे। तो इस समय मेरा लेफ्ट है, अब राइट आ गया, सेंटर आ गया, जस्टिफाई यानी दोनों साइड से इक्वल आ गया, फुल जस्टिफाई में ये पूरे जितने भी लेटर हैं जस्टिफाई हो जाएंगे। तो फिलहाल तो हमें इसे फुल जस्टिफाई करना चाहिए और इस तरह से यहाँ पे ये अलाइनमेंट को आप सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ऊपर जो टी पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी और नीचे से अलाइनमेंट अगर आपको सेट करने तो यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने कंट्रोल प्लेट का यूज किया है। ये तो सिर्फ मैं आपको परिचय दे रही हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, प्रैक्टिकल करके जब मैं दिखाऊंगी तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।